हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में नया टॉपिक है आपका आज का जीन अभिव्यक्ति या जीनी अभिव्यक्ति भी इसे कहते हैं कि जीवधारियों में जीन्स का प्रकटीकरण यानी जो जीन्स हैं जो आनुवंशिक लक्षण के उत्तरदायी हैं उनका प्रकटीकरण किस प्रकार से होता है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है वो आज हम समझते हैं। और वो वही बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझते हैं। देखिए क्या है, जीन अभिव्यक्ति वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीन में कोटित सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है। ये पदार्थ यानी प्रोटीन विभिन्न जीवों में लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। यानी आपको पता है जो जीन्स हैं उन्हीं जीन्स के द्वारा ही जीवधारियों में लक्षणों के जो प्रारूप हैं उनका निर्धारण होता है। क्योंकि हम पढ़ते आते हैं कि जीन्स जो हैं ये आनुवंशिक लक्षणों का वाहक हैं या आनुवंशिक लक्षण हैं, वाहक नहीं कह सकते हो, आनुवंशिक लक्षण हैं। क्योंकि जीन्स पर जिस प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं वो ही लक्षण संतानों में पहुंचते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो जीन्स पर उपस्थित होती हैं और जीन्स पर उपस्थित होने के कारण ये संतानों में पहुंचती हैं। तो जीनी अभिव्यक्ति या जीनी प्रकटीकरण, जीन अभिव्यक्ति क्या है, यही आपको दो लाइन में बताया गया है कि जीन अभिव्यक्ति वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीन्स में कूटित सूचनाओं का, आपको पता है जो जीन्स हैं उन जीन्स पर उपस्थित सूचनाएं होती हैं और वो सूचनाएं ऐसी सूचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, पितृजों से प्राप्त होती हैं, माता पिता से प्राप्त होती हैं। तो वो सूचनाएं जो हैं वो अन्य पदार्थों में उनका क्या होता है, प्रकटीकरण होता है या वो अन्य पदार्थों के रूप में उपस्थित होती हैं। तो ये पदार्थ जो हैं किससे बने होते हैं, यानी वही पदार्थ जो है प्रोटीन। आप बार बार पढ़ के आते हो कि डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है, पॉलीटाइड से बनती है, न्यूक्लिक अम्ल से बनती है। तो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का ही तो भाग है, न्यूक्लिक अम्ल के साथ प्रोटीन संलग्न रहता है, साथ में रहता है, यानी प्रोटीन ही इनकी संरचनाओं को बनाने में जो है सहयोग करता है। तो ये पदार्थ प्रोटीन जो है विभिन्न जीवों में लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। यानी जो पदार्थ जिन पर कोटित संरचनाएं होती हैं, जो संरचनाएं जीन्स पर उपस्थित होती हैं, जो सूचनाएं जीन्स पर उपस्थित होती हैं, वो सूचनाएं जो हैं प्रोटीन्स में आ जाती हैं, पदार्थ में आ जाती हैं। और ये प्रोटीन यानी ये जो पदार्थ हैं ये पदार्थ उन्हीं सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं। तो अभिव्यक्त का मतलब होता है व्यक्त करना, प्रकट करना। तो जीन अभिव्यक्त जब हेडिंग ही है जीन अभिव्यक्त तो समझ में आ रहा है कि जीनों का प्रकटीकरण, जीन्स पर उपस्थित सूचनाओं का प्रदर्शन या प्रदर्शित करना, जीन्स अपनी सूचनाओं को व्यक्त करता है वो भी एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो कि प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार था हमारा ये जीन अभिव्यक्ति और जो है इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण होते हैं। यानी जो ये जीन अभिव्यक्ति है, जो कूटित संरचनाएं हैं जीन्स पर, वो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से वो सूचनाएं जो है संततियों में जीवधारियों में प्रकट होती हैं। तो उनमें से पहली सूचना है ये आपकी अनुलेखन। आप अभी अनुलेखन समझ नहीं पा रहे हो अनुलेखन क्या है, तो यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट में समझाया गया है अनुलेखन, और आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर समझते हैं अनुलेखन क्या होता है, क्योंकि अनुलेखन प्रक्रिया में भी जो जीन अभिव्यक्ति है, जीन के जो कूटित संरचनाएं हैं, कूटित सूचनाएं हैं, वो प्रकट होती हैं। देखिए अनुलेखन सामान्य रूप से तो अनुलेखन आप ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण। ये आप नॉर्मली जो अनुलेखन है उसमें आप ऐसे समझिए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण, क्योंकि डीएनए जो है जिस स्थान पर
केंद्रक में उपस्थित है उस स्थान पर तो उपस्थित रहता ही है, परंतु इसको जो जीन्स की सूचनाएं हैं, जीन्स के जो आनुवंशिक सूचना है, उस सूचना को प्राप्त करने के लिए ये मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण कर लेता है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए इस डीएनए को, आनुवंशिक सूचनाओं को जो कोशिकाओं में उपस्थित या जो भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं जीवधारी की, इस डीएनए तक मैसेजिंग करता रहता है, सूचित करता रहता है। तो अनुलेखन जो प्रक्रिया है वो सामान्य है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण, ठीक है। तो इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए के निर्माण में डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भाग लेता है, जिसमें से डीएनए की दो संरचनाएं होती हैं। आपको पता है डीएनए द्विरज्जकी होता है, जिसमें से आप इस प्रकार से डीएनए की संरचना का निर्माण करते हो, जिसमें आपका होता है 5'3', ठीक है, और ये आपका 3'5'। इस प्रकार की संरचना बनी होती है। तो डीएनए जो है इसमें 3' से 5' की ओर जो है ये रज्जुक जो होता है डीएनए का, यानी 3' से 5' वाला जो रज्जुक होता है वो डीएनए में मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, और एक जो डीएनए होता है वो कोडित ही नहीं करता है। मतलब दो रज्जुक जो होते हैं वो दोनों रज्जुक भाग नहीं लेते हैं, केवल एक रज्जुक ही भाग लेता है अनुलेखन प्रक्रिया में, और एक ही रज्जुक के द्वारा जो है मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। केंद्रक में मैसेंजर आरएनए अणु का संश्लेषण, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसके बाद हम अनुलेखन प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अनुलेखन प्रक्रिया एक बड़ी प्रोसेस है, मतलब विस्तार से जब जिसमें समझेंगे, और उसके तीन चरण होते हैं अनुलेखन प्रक्रिया के, उन तीनों चरणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक पहला होता है प्रारंभन, दूसरा है आपका दीर्घीकरण, प्रारंभन को इंग्लिश में जो है इंटीग्रेशन बोलते हैं, और दूसरा है एलोंगेशन, और तीसरा है आपका समापन, जिसे टर्मिनेशन, ठीक है। ये तीनों अनुलेखन प्रोसेस के भाग हैं, तो इसके बाद अनुलेखन को ही विस्तार से करेंगे, परंतु यहाँ पर हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं कि केंद्रक में मैसेंजर आरएनए अणु का संश्लेषण होता है। वही आपको बताया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण जो है वो अनुलेखन होता है। तो वो प्रोसेस किससे कैसी होती, वो एक लाइन में यहाँ बताई गई है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में डीएनए खंड का एक खंड, यानी आपको बताया डीएनए के दो खंड होते हैं, डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विसूत्री होती है, द्विरज्जुकी होती है, आप ऐसा पढ़े हो। तो डीएनए खंड का जो, यानी डीएनए खंड का एक खंड जो है सांचे के रूप में, यानी टेम्पलेट, यहाँ पर आपकी बायोलॉजी में हर जगह इंग्लिश में ये यूज होता है, टेम्पलेट या सांचे के रूप में प्रयोग होता है, ये प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। यानी वही लाइन थी, मैसेंजर आरएनए अणु का संश्लेषण, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण जो होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है, और इसमें डीएनए का एक खंड टेम्पलेट या सांचे के रूप में भाग लेता है, जिससे एक ही खंड से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। तो अनुलेखन प्रक्रिया में भी जो कूटित सूचनाएं होती हैं जीन्स पर, वो प्रदर्शित होती हैं, व्यक्त होती हैं। इसके बाद दूसरा चरण है सुकेंद्रकी कोशिका में निर्मित प्रारंभिक मैसेंजर आरएनए से कार्यात्मक मैसेंजर आरएनए का रासायनिक प्रतिरूपण होता है, जिसे आरएनए प्रसंस्करण कहते हैं। तो क्या होता है कि आपको बताया कि डीएनए से आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए का निर्माण अनुलेखन की प्रक्रिया में होती है। तो अनुलेखन की प्रक्रिया में जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो प्री मैच्योर होता है, अपरिपक्व आरएनए होता है, यानी वो परिपक्व नहीं होता है। और जब डीएनए प्रसंस्करण की प्रोसेस होती है, सॉरी आरएनए प्रसंस्करण की प्रोसेस होती है, तब वो डीएनए, यानी तब वो आरएनए प्री मैच्योर आरएनए जो है मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो वही अगले पद में बताया गया कि सुकेंद्रकी कोशिका में निर्मित प्रारंभिक, ये हम सुकेंद्रकी कोशिका ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं, वो भी आपकी यूकैरियोटिक जीवों में
पाई जाती हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ऐसे समझिए। तो सुकेंद्रकी कोशिका में निर्मित प्रारंभिक मैसेंजर आरएनए से कार्यात्मक मैसेंजर आरएनए का रासायनिक प्रतिरूपण होता है, यानी मैसेंजर आरएनए से कार्यात्मक मैसेंजर आरएनए, क्योंकि जो ये प्रारंभिक मैसेंजर आरएनए बन रहा है, यहाँ पर संदेश वाहक आरएनए बन रहा है, ये परिपक्व नहीं है, यानी ये कार्य करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है डीएनए जो है वो आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए के द्वारा मैसेंजिंग करवाता है, क्योंकि डीएनए नहीं है, वो एक जगह से उठकर के दूसरी जगह जाता है, जबकि मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेजिंग करता है संदेश पहुंचाने का, यानी आनुवंशिक सूचनाओं को संदेश के माध्यम से डीएनए तक पहुँचाता है। तो उसका काम डीएनए यानी आरएनए का क्या हो गया, कार्य कम काम करना हो गया, वो भी सूचनाओं को पहुंचाना, मैसेज संदेश को ले जाना। तो जब ये कार्यात्मक नहीं है तो कार्य कैसे करेगा, तो ये क्यों कैसा था, प्रारंभिक मैसेंजर आरएनए अपरिपक्व यानी कि प्री मैच्योर था। जब कार्यात्मक यानी मैसेंजर आरएनए का वही है कि प्रारंभिक मैसेंजर आरएनए से कार्यात्मक मैसेंजर आरएनए, यानी जब कार्यात्मक मैसेंजर आरएनए बनता है तो रासायनिक प्रतिरूपण होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिससे आरएनए प्रसंस्करण कहते हैं। दूसरे स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में भी क्या है कि यहाँ पर जीनी सूचनाएं जो है वो अभिव्यक्त होंगी, तभी तो वो डीएनए को देगा संदेश के रूप में। इसके बाद तीसरा पद है प्रतिरूपित आरएनए द्वारा प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण होता है। प्रतिरूपित, आपको पता प्रतिरूपण होता है, यानी आरएनए का प्रतिरूपित हो गया, प्रतिरूपण हो गया, तो उसी प्रतिरूपित आरएनए द्वारा प्रोटीन्स में, क्योंकि आप ऊपर पढ़ के आए हो कि जीन्स में कूटी सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है, तो जीन्स के द्वारा अन्य पदार्थ आपका प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण होता है। अमीनो अम्लों का जो है अनुक्रम का जब निर्धारण होगा, तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अनुवादन ट्रांसलेशन कहलाती है, क्योंकि उसे यानी आरएनए के ऊपर आरएनए, क्योंकि आरएनए के साथ साथ आपका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन सहलग्नी होता है, साथ में लगा होता है, और आरएनए की संरचना और डीएनए की संरचना में भी प्रोटीन निर्मित करने में भाग लेते हैं। आप ऊपर भी एक पद पढ़े हो कि जीन्स में कूटित सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है, तो वो जो अन्य पदार्थ यहाँ पर है वो आपका प्रोटीन है, यहाँ पर ब्रैकेट में भी बताया है कि ये पदार्थ प्रोटीन, तो उसी प्रोटीन पर क्या होते हैं जो हमारे अमीनो अम्ल हैं उनके क्रम का निर्धारण हो जाता है, और क्रम के निर्धारण की जो प्रक्रिया है अनुवादन ट्रांसलेशन कहलाती है। तो इस प्रकार इन तीनों पदों में अनुलेखन, आरएनए प्रसंस्करण और उसके बाद अनुवादन ट्रांसलेशन, इन तीनों प्रोसेस में जो है आपका जीन का अभिव्यक्तिकरण होता है, जीन का प्रदर्शन या प्रकटीकरण होता है। जब प्रकटीकरण होता है तो प्रकटीकरण होने के बाद ही जो उसका जीनी प्रारूप है, जो जीनी प्रारूप है या जीन का जो निर्धारण है वो संरचना को व्यक्त करता है, जो बाह्य संरचना है या जो लक्षण हैं उन लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उन लक्षणों को जो है व्यक्त करता है। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था जीन अभिव्यक्ति पर आधारित, आप इसको बहुत अच्छे से करना, और इसके बाद हम जो हमारे अनुलेखन प्रक्रिया है उस अनुलेखन प्रक्रिया को हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा, ये इस टॉपिक के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, परंतु हमें अनुलेखन प्रक्रिया अलग से करना है, तो इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी पर, हेयर कॉपी पर फेयर करना।